एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कहोगे मैम तैयारी कैसी है, वो आपके सामने पड़ी हुई है। नीट रैंक रिजल्ट टेस्ट सीरीज में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। तो उन बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बेटा जी ऐसे ही बने रहो और साथ में हमारे साथ उन टेस्ट को एनालाइज करते जाओ और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करते जाओ। जिन बच्चों के मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। तो चलो भाई, नीट रैंक रिजल्ट टेस्ट सीरीज की बात तो हमने यहाँ पे आपको बता दी एक्साइटमेंट में, पर हम आए हैं यहाँ पे एक वीडियो लेके, दैट इज अबाउट योर ड्रेस कोड। बच्चे बार बार मेरे को जब टेस्ट डिस्कशन करती हूँ तो वो बोलते हैं मैम ड्रेस कोड को लेकर के कुछ बताओ, क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपका जो कल्चरल ड्रेस है तो उसमें सिंपल सा एक यूनिफॉर्म जो लड़कियों के लिए कुर्ता सलवार होता है वो, और लड़कों के लिए शर्ट पैंट होता है वो, है ना। कुछ भी तड़क भड़क पहन के नहीं जाना है, सिंपल सा क्लॉथ टी शर्ट और जीन्स पहन के जाना है, ऐसा आप पहन के जा सकते हो। जरूरी नहीं कि सलवार समीज ही पहन के जाओ। तो देखो भाई, क्या आपको लाइट क्लॉथ्स पहन के जाने हैं, है ना, लाइट क्लॉथ्स पहन के जाने हैं जिसमें लॉन्ग स्लीव्स नहीं हो, है ना। तो लॉन्ग स्लीव्स नहीं होंगे, परमिटेड नहीं है ये। और जो भी आपका कस्टमरी ड्रेस है, कल्चरल ड्रेस है, वो आपके उस हिसाब से होने चाहिए, है ना। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट लीस्ट ऑफ आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, 12:30 आपका लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है, उससे एक घंटे पहले आपको वहां पहुंचना है ताकि जो भी फ्रिस्किंग वगैरह का या फिर जो भी उनको प्रॉपर जो तैयारी करनी होती है वहां पे, जो टीम बनी होती है उनको वो प्रॉपर टाइम मिल सके, ठीक है। बात करते हैं शूज की, है ना। और शूज में तो क्या आप शूज पहन के जा सकते हो? डेफिनेटली नहीं पहन के जा सकते हो, बिकॉज NTA ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि शूज आर नॉट परमिटेड, यू हैव टू वेयर स्लीपर सैंडल्स विथ लो हील्स, है ना। लो हील्स के साथ स्लीपर और सैंडल आप पहन के जा सकते हो, शूज परमिटेड नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेस कोड के साथ, कि आपको अपने साथ क्या लेकर के जाना है, तो आपको याद करके रखना है भाई कि एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास जिसपे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगी हुई हो, है ना। साथ में एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है जिसको अफिक्स किया जाएगा आपके अटेंडेंस सीट के ऊपर। उसके बाद एक फोटो आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए आपके पास, दैट कैन बी पैन कार्ड, दैट कैन बी योर आधार कार्ड, ठीक है। और जो बच्चे PWBD सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो अपना PWBD सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा एक आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी कहाँ होना चाहिए, आपने एडमिट कार्ड जहां से निकाला है उसके साथ एक परफॉर्मा आपको मिला उसके ऊपर वो कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चिपका हुआ होना चाहिए उस परफॉर्मा के अंदर, ठीक है। और बैकग्राउंड उसका कैसा होना चाहिए, व्हाइट। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है और आपको इन सबको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले, ठीक है। अब उन यूटेंसिल्स की बात कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा जो सामान आप अपने साथ एज ए लगेज ले जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, जिसको अवॉइड करना है, जो दैट इज नॉट परमिटेड। और वहां जाकर के टेंशन होती है, सामान मैं कहाँ छोड़ू, कहाँ रखू, मैं तो अंदर लेके आ गई, ये काफी कॉस्टली, अब मैं क्या करूं। तो बेटा जी डोंट डू दैट, आपको बहुत ही काम रहना है, बहुत ही मेंटल पीस वहां मेंटेन करनी है। तो पहले से ये चीजें जान लो कि ये चीजें लेके नहीं जानी वहां पे, क्या क्या लेके नहीं जा सकते। तो आप किसी भी तरह का कोई ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स भी नहीं ले जा सकते, है ना। बच्चे जनरली ले जाते हैं अपने साथ, तो ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक का कोई पाउच नहीं लेके जा सकते आप, कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, है ना। पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, पेन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेन से रिलेटेड है ना, तो ये सारी चीजें आप लेके नहीं जा सकते। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड जो आपके हाथ पे लगा रहता है, दैट कैनॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, एग्जामिनेशन रूम, सॉरी क्लासरूम नहीं, वो एग्जामिनेशन रूम है। तो आगे चलते हैं, अदर आइटम्स लाइक वैलेट, जो आप पर्स लेके जाते हो, जनरली बच्चे ट्रैवल करके जाते हैं और वहां पे उनके पास वैलेट होता है, तो पहले से इन चीजों का ध्यान रखो कि वी कैनॉट कैरी योर वैलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ये सारे आइटम्स आप लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते। किसी भी तरह की वॉच, सिंपल एनालॉग वॉच हो या फिर किसी भी तरह की वॉच हो, आप वॉच भी लेकर के नहीं जा सकते, है ना, ठीक है। ब्रेसलेट हो, ऑर्नामेंट्स हो, मेटालिक कोई भी आइटम्स हो,
एनी कोई फूड आइटम्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं बिस्किट केक्स वगैरह अपने साथ रख लेते हैं, तो किसी भी तरह का पैकेज्ड फूड और वाटर बॉटल भी लेकर के आप नहीं जा सकते, तो वाटर की व्यवस्था वहां पे हो जाती है आपके लिए, है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने से पहले ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तब तक के लिए तैयारी पे डटे रहो और अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते रहो। ऑल द बेस्ट।